राजनगर प्रखंड का पहला पंचायत होगा जिसमें लोग जागरूकता से लगभग 4000 लोगों ने अभी तक टीका ले लिया है। इस आपदा से निपटने का केवल दो ही माध्यम है, आप वैक्सीनेशन लें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का अवश्य पालन करें। कोविड के प्रभाव को रोकने के लिए जो मास्क का वितरण किया जा रहा है मुखिया जी और पंचायत सचिव के द्वारा, तो आपके पंचायत में कितना प्रतिशत मास्क का वितरण हुआ है? और मेरा पंचायत उसमें प्रथम है, सबसे पहले मेरे ही पंचायत में पंचायत सचिव महोदय के द्वारा वितरण किया गया है। वैक्सीनेशन जो एक अहम उसका फैक्टर होगा, जो हम लोगों को कवच के रूप में काम करेगा। इस समय मैं राजनगर प्रखंड मुख्यालय परिसर में हूँ और यहाँ हमें मिल गए हैं सुगोना दक्षिणी पंचायत के मुखिया सुजन कांत ठाकुर। कोई वो नाम के मोहताज नहीं है। राजनगर प्रखंड में या जिला में अगर मुखिया की गिनती होगी तो 1 to 10 में नाम आता है सुजन कांत ठाकुर मुखिया जी का। हम उनसे पूछते हैं कि अभी कोविड की जो स्थिति चल रही है उस स्थिति में उनके पंचायत में वैक्सीनेशन का कितना काम हुआ है और पंचायत में लोगों को सरकार द्वारा जो अभी मास्क वितरित किया जा रहा है वो मास्क वितरण हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी बात हम मुखिया जी से पूछते हैं। मुखिया जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दीजिए अपने माध्यम से। मैं सुजन कांत ठाकुर, मुखिया ग्राम पंचायत सुगुना दक्षिण। और ये बताया जाए कि अभी जो कोविड की स्थिति चल रही है और सरकार द्वारा खास करके अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र जहां भ्रांति है कि कोविड का टीका लेंगे तो कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो ये बताया जाए कि आपके पंचायत में टीका की कारण की क्या स्थिति है? मेरे पंचायत में राजनगर प्रखंड का पहला पंचायत होगा जिसमें लोग जागरूकता से लगभग 4000 लोगों ने अभी तक टीका ले लिया है। और मेरा ये मान्यता है, कल भी मेरे यहाँ 2 ग्राम पंचायत में शिविर लगने वाला है, आज सिविल SDO मधुबनी के द्वारा आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया और हम सभी मुखियागण उसमें उपस्थित थे। उसमें निर्णय लिया कि राजनगर प्रखंड इस जिला का पहला प्रखंड होना चाहिए जो कोविड वैक्सीनेशन में लक्ष्य प्राप्त करे। और कल मेरे यहाँ प्राथमिक विद्यालय बकुआड़ और लग्गाडी सामुदायिक भवन मुस्लिम टोला में कोविड का टीकाकरण होगा। और मैं आग्रह आपसे भी करूंगा कि आप भी उसमें कुछ पल के लिए वहां जरूर आवें। ये बताया जाए कि अभी जो सरकार द्वारा कोविड के प्रभाव को रोकने के लिए जो मास्क का वितरण किया जा रहा है मुखिया जी और पंचायत सचिव के द्वारा, तो आपके पंचायत में कितना प्रतिशत मास्क का वितरण हुआ है? मेरे पंचायत में माननीय DM साहब के द्वारा जो वेंडर नियुक्त किया गया था, तो वेंडर से पंचायत सचिव महोदय ने मास्क का खरीदारी की और लगभग एक वार्ड छोड़ के 16000 मास्क का वितरण हुआ है पंचायत में 16। और मेरा पंचायत उसमें प्रथम है, सबसे पहले मेरे ही पंचायत में पंचायत सचिव महोदय के द्वारा वितरण किया गया है। देखा गया है कि कोरोना का प्रथम काल जो था उस समय से लेके और अभी दूसरा फेज जो चल रहा है, आप कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किए हैं और प्रशासन हो या प्रखंड की टीम हो उनके साथ या मेडिकल की टीम हो, आपने बढ़ चढ़ कर काम किया है। तो अभी जो कोविड का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें आपके पंचायत में कितने ज़्यादा लोग ले लिए होंगे? मेरे यहाँ लगभग 3 दिनों का जो आंकड़ा मैं आपको दूं, तो कल मेरे यहाँ प्राथमिक विद्यालय ठीक है में वैक्सीनेशन का था, 300 लोगों का वैक्सीन वहाँ उपलब्ध था और 300 लोगों ने वैक्सीन लिया, बाकी लोग छूट गए। उससे पहले प्राथमिक विद्यालय चपाही पश्चिम में 2 दिन का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था। एक दिन डाटा ऑपरेटर 21 तारीख को अकेले थे तो लगभग 220 लोगों का उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके टीका लगवाया, बहुत सारे लोग छूट गए। तब हम फिर आग्रह किए स्वास्थ्य विभाग से, BDO से, तो 2 वहाँ पर
डाटा ऑपरेटर पहुँचे और 330 लोगों ने वहाँ पर वैक्सीनेशन में उपस्थित होकर अपना टीका लगवाया। और उससे पहले भी हमारे यहाँ मुस्लिम लोगों ने टीका लिया है और कल भी टीका में लगभग 50 व्यक्ति ने टीका लिया। और जो कुछ व्यक्तिगत किसी का समस्या है, सामूहिक समस्या नहीं है, मैं खुद सक्षम हूँ, मेरा जो अपना समाज है, मैं खुद आज भी जा रहा हूँ लगाडी। अभी तुरंत आपसे जो मेरा साक्षात्कार हो रहा है उसके बाद मैं लगाडी जाऊँगा और वहाँ लोगों से बातचीत जागरूक करूँगा और उसके बाद फिर अपने जगह पर जाऊँ। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या अपील कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, इस आपदा में 100 साल में ऐसा वक्त नहीं आया था और इस आपदा से निपटने का केवल दो ही माध्यम है, आप वैक्सीनेशन लें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का अवश्य पालन करें। कोरोना का तीसरा वेरिएंट भी आ चुका है जो देश में प्रवेश किया है, तो उसको देखते हुए हम लोग यथाशीघ्र देन एंड देयर वैक्सीनेशन, जो एक अहम उसका फैक्टर होगा, जो हम लोगों को कवच के रूप में काम करेगी। आप सभी से मैं आग्रह करूंगा, जो मेरी आवाज़ आपके माध्यम से जो जहां तक सुन रहे हैं, इसमें बट मत लगाइए, आप देश के प्रबुद्ध नागरिक बनिए। और सरकार का ये प्रोग्राम आपके लिए किया गया है, आपके परिवार के लिए किया गया है, आपके समाज के लिए किया गया है, आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कोविड का टीका अवश्य लगवाएं। निश्चित रूप से आप अपने परिवार और समाज सब स्वस्थ हों, यही कामना है। और टीका लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई रखें, यही कहना है मुखिया जी का। ये हमारा भी निवेदन है चैनल के माध्यम से कि अभी तक जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है वो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण की पुरजोर व्यवस्था की गई है। अब टोला मोहल्ला तक भी पहुँचेगी टीम टीकाकरण की, तो आप घर से निकलें और टीकाकरण लें, अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखें। हम बात कर रहे थे सुगौना पंचायत के मुखिया सुजन कांत ठाकुर से, उन्होंने पूरी बात बताई कोविड-19 टीकाकरण के बारे में। आप देख रहे थे KR न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले खबर के लिए। आप चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से लाइक सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा हमारा हौसला निश्चित रूप से। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और चैनल में सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती है तो मेरा हौसला बढ़ता है, हम आपको अलग अलग प्रकार का खबर से रूबरू करवाते हैं। फिर मिलते हैं अगले खबर के लिए, धन्यवाद।